छापेमारी की गई है जिथे परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन के टिकाने ते इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है। उस मौके कारोबारी को अजिही राशि देखने को मिली जिसनों देख तुसी भी हो जाओगे हैरान, जिथे इन्नी नकदी मिली कि जिसकी गिनती हाले तक खत्म नहीं हुई है। उथे कारोबारी के घर अलमारियां च भरे नोट मिलने, नाल ही लगभग अंदाजा लाया गया कि नोटा की गिनती करने लई 8 मशीन लग सकदियां ने। दरअसल वीरवार को जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल यानी DGGI ते इनकम टैक्स विभाग की टीम ने कन्नौज के परफ्यूम व्यापारी पीयूष जैन के घर छापा मारिया। इस दौरान अलमारियों में इन्ने पैसे पाए गए कि जो कि वड्डे वड्डे स्टील के डब्बे च सन। नोट गिनन वाली मशीन मंगवाई गई। ऐसी लड़ी च केंद्रीय टैक्स ते कस्टम बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने दसिया कि हुण तक करीब 150 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं, अजे भी गिनती जारी है। तुहानू दस दिए कि 8 मशीन नाल गिने जा रहे ने नोट ते इस छापेमारी नू 48 घंटे तो वध दा समा बीत चुका है, हाले तक ये नोटा की गिनती नहीं हुई है। घर के अंदर टीम नोट गिनन का काम कर रही है। वीरवार को 6 नोट गिनन वाली मशीन मंगवाई गई पर वो भी घट गई। हुण लगातार नोट गिनन की मशीन मंग की जा रही है, लगातार अधिकारियों की मंग की जा रही है, पर नोटा के इन्ने बंडल ने कि मशीन घट गई ने। इस तो बाद 2 होर मशीन मंगवाई गई, कुल टोटल 8 मशीन हो गई पर गिनती हजे तक खत्म नहीं हुई। इस दौरान जीएसटी इंटेलिजेंस की अहमदाबाद यूनिट वालों एक बयान जारी किया गया जिस च बहुत वड्डे खुलासे किए गए ने ते कहा छापेमारी दौरान नोटा दे बंडल बरामद किए गए ने ते कानपुर दे SBI बैंक दे अधिकारी दी मदद नाल गिनती की जा रही है। नाल ही नाल उन्हां वालों दावा भी किया गया कि एजेंसी ने अंदाजा लगाया है कि बरामद की गई नकदी 150 करोड़ तो वध हो सकती है, यानी कि 150 करोड़ जो कि बहुत वड्डी नकदी हुंदी है। एजेंसी हुण इस नकदी नूं जब्त करन लई तैयारी कर रही है। इन्नी ज्यादा नकदी और वो भी एक परफ्यूम कारोबारी कोल, तुसी सोच ही रहे होंगे कि कौन है पीयूष जैन। तुहानू दस दिंदे हैं कि कौन है पीयूष जैन। पीयूष जैन कन्नौज के इत्र वाली गली विच परफ्यूम का कारोबार करते हैं। कन्नौज कानपुर के नाल नाल मुंबई विच उन्होंने दफ्तर ने। इनकम टैक्स नूं 40 तो वध अजिहियां कंपनियां मिल गई ने जिन्हां राही पीयूष जैन अपना परफ्यूम कारोबार चला रहा सी ते हाले भी वो चला रहा है, तो जल्द ही उन्होंने जब्त कर लिया जाएगा। अज भी कानपुर की ज्यादातर पान मसाला इकाइया पीयूष जैन तो पान मसाला की खरीद भी कर दिया ने। इस सिलसिले च पीयूष जैन कन्नौज तो कानपुर आ गया ते आनंदपुरी च रहन लगा, यानी कि पहला पीयूष जैन एक पान मसाला का काम करता सी ते हुण वो एक इत्र यानी कि परफ्यूम का कारोबार करके 40 कंपनियां चला रहे, जिस च उस वल्लों इन्नी नकदी बरामद की गई, यानी कि उसने इन्नी नकदी इकट्ठी करके इन्ने बंडल दे बंडल, यानी कि गैर कानूनी काम करके इन्ने बंडल रखे जिस ते उस ते छापा पै गया। हुण देखना यह होगा कि इस तो बाद पीयूष जैन का की होंदा है ते की बनदी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल होर इस तरह की अपडेट लई बने रहो झग टीवी दे नाल।